नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने हिरासत में लिया है। जी हां, दिल्ली के शराब घोटाले मामले से जुड़ी यह बड़ी अपडेट है कि कविता को हिरासत में लिया गया है और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए ईडी उन्हें दिल्ली ले गई है। आपको बता दें कि इससे पहले के कविता से पहले भी पूछताछ की गई है, ईडी ने पूछताछ पहले की थी और अब एक बार फिर से ईडी ने शराब घोटाले मामले में के कविता को अरेस्ट किया है, के कविता को हिरासत में लिया है और उन्हें इससे पहले कि उनके घर पर थी, घर पर गई थी ईडी और घर पर जाने के बाद सर्च वारंट दिखाया था ईडी तेलंगाना के, उनके घर पर गई और उन्हें सर्च वारंट दिखाकर घर की तलाशी ली। इसके बाद ईडी ने अरेस्ट वारंट दिखाकर उन्हें हिरासत में लिया और गिरफ्तारी जो है वो के कविता की हो गई है। ईडी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ रही है और बताया जा रहा है कि इसमें अब अगला नंबर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी झटका मिल गया है। ईडी के समन के खिलाफ जो है वो अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में गए हुए थे और कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि ईडी का जो ईडी ने जो भी समन भेजे हुए हैं उसके खिलाफ जो है इसमें कार्रवाई करने की मांग की गई थी और इस पर रोक लगाने की बात की गई थी ईडी के इन समन पर। लेकिन इस मामले में जब लंबी चौड़ी बहस भी हुई और उस बहस के नतीजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के समन पर केजरीवाल को हाजिर होना ही होगा, यानी कि कल 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, ईडी उनसे पूछताछ इस मामले में कर सकती है और ये बड़ी खबर है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के 8 समन को पहले ही नजरअंदाज कर चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार शामिल जरूर हुए थे और उन्होंने 16 मार्च की इसमें तारीख मांगी थी, लेकिन ठीक 16 मार्च की तारीख से पहले उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और ईडी के इन समन के खिलाफ और साथ ही साथ कोर्ट ने जो उन्हें दो बार नोटिस भेजा था उसके खिलाफ जो है उन्होंने कोर्ट का रुख किया और इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए इसमें अरविंद केजरीवाल की जो अर्जी है उसे खारिज कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो पूछताछ है उसमें शामिल होना पड़ेगा, यानी कि समन को नजरअंदाज नहीं अब अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। हालांकि आगे इसमें क्या कुछ अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इसमें बड़ी खबर ये है कि कविता को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए थे, जिसके बाद ये कविता पर एक्शन लिया गया और अब इस मामले में ईडी अपनी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।